तस्वीरें हम दिखा रहे हैं साफ साफ आपको। तो देखिए ये यहाँ पे तस्वीरें ये साफ दिखाई दे रही हैं आपको कि यहाँ पे एसीएस से मिलके आया गया है डेलीगेशन, उससे 7 दिन का समय मांगा गया है। लगातार जो हम कवरेज दिखा रहे हैं आपको, ये कवरेज वो है जो यहाँ पे 27-23 देखिए अनुराग जो है, अनुराग वो है, वो यहाँ पे अनुराग अभी अपना समुद्र कर रहे हैं, समुद्र में रामलाल जी भाई साहब के कहने पे, संदीप सरस जी के कहने पे, बलवीर सर के कहने पे, एसीएस मैम के कहने पे, मंत्री जी के कहने पे स्थगित किया जा रहा है, धरना स्थगित कर दिया गया। बहुत बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम आपको, धरना स्थगित कर दिया गया 7 दिन के लिए, अनाउंसमेंट हो चुका है। और यहाँ पे स्थिति ये है कि हाल फिलहाल धरना स्थगित कर दिया गया है। सबसे बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं, सबसे पहले हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर, आप देख सकते हैं धरना स्थगित कर दिया गया है, 7 दिन के लिए स्थगित जो है वो धरना किया गया है। मैडम के आश्वासन पे, मैडम के कहने पे स्थगित जो लाइन रखी है वो सोच समझ के रखी है, तो किसी भी भाई को ये आपत्ति मैं मानता हूँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आपत्ति भी बीच में आई है यहाँ पे, और तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे मानने को तैयार नहीं है, लेकिन स्थगन का जो समय है वो यहाँ पे दे दिया गया है, लेकिन तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो मानने को तैयार नहीं है कि 18 तारीख से धरना रहेगा। उस दिन एक ही लाइन थी कि धरना तब तक रहेगा जब नियुक्ति नहीं मिल जाती, ये मेरी लाइन लिखी थी कि नहीं थी, पूरा नहीं थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है घर में बड़े आदमी अगर कोई दो बात कहते हैं तो उनकी माननी भी चाहिए। कल एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, शर्मा का नाम भूल गया, संदीप शर्मा जो भी था, अजय शर्मा, उसने एक बात कही कि अनुराग भाई एक्सीडेंट तो हो गया लेकिन मैं 3 दिन से मेरे घर से निकला हुआ हूं, घर वालों ने मुझे मना किया कि तू धरने में नहीं जाएगा और बाइक लेकर कदा ही नहीं जाएगा। वो बोला कि अगर मैं बात मान लेता तो शायद मेरा एक्सीडेंट नहीं होता। मेरे साथ में ये विकास था, राजकुमार जी थे, ये नवदीप था जिसको हमने हॉस्पिटल में पहुंचाया था। तो कभी कभार परिवार में बड़ों की बात है मान लेनी चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि साथ में कह दिया कि ये जगह भी तुम्हारी है और मांग भी तुम्हारी है। इसलिए आपत्ति मुझे भी है, दर्द मुझे भी है कि जो मांग रहे थे वो पन्ना यहां से लेकर नहीं उठ रहे, लेकिन एक विश्वास भाई, विश्वास रखने होता है, सब रिश्ता होता है घर में, अनजान लड़की से अनजान लड़के से भरोसा रखते हो ना कि ठीक है अगले 100 जन्म तक यही रहेगी साथ में, रखते हो ना, विश्वास रखना पड़ता है ना। तो भाई भाई अपने 7 दिन का भरोसा रख रहे हो, 8 दिन में बैठ जाएंगे और 8वें दिन प्रशासन के साथ में बैठेंगे, उसी दिन डेलीगेशन करेंगे, उसी दिन बात करेंगे। हमारी सिस्टर है, हमारी बहन है, इतने छोटे छोटे बच्चे को इतनी दूर से लेके आई है, जब 23 दिन में कुछ नहीं मिला तो 7 दिन में क्या मिल जाएगा। अब मैं लिख के दे दो कि 7 दिन में ये मिलेगा, हम 7 दिन में चले जाएंगे, 8वें दिन ही आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे, लेकिन हमें लिखित में कुछ भी नहीं मिला है। ये धरना हम नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, ये धरना हम नहीं तोड़ेंगे, ये आश्वासन हम नहीं मानेंगे। जब तक कोई लिखित में हमारे पास आश्वासन नहीं आ जाता हम ये नहीं मानेंगे। आज तक जो हमने संघर्ष किया है पिछले 22 दिनों से, ये हार हम स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नेता पहुंचे हैं यहाँ पे, पूर्व विधायक पहुंचे हैं, जो प्रवक्ता है वो पहुंचे हैं, आपको आश्वासन दे दिया गया 7 दिन बाद में, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर इस आश्वासन से हमारे दुख या हमारी पीड़ा कम नहीं होगी, इस आश्वासन से हमारी ये पीड़ा कम नहीं होगी, हमें लिखित में आश्वासन चाहिए और तब तक हम ये धरना नहीं खत्म करेंगे। हमने बहुत परेशानी झेल ली और भी हम झेलेंगे, और परेशानी हम झेलेंगे।